प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सर्वनाम शब्द चल रहे थे जिसमें एक दो पॉइंट बीच में कट गया था, इसलिए इसको आज फिर से भेजा जा रहा है युष्मद को। युष्मद जो सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ है तुम, ये जो युष्मद है, युष्मद सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। युष्मद जो सर्वनाम शब्द है इसको मध्यम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसके सर्वनाम शब्दों को, इसके सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में एक समान रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे तत् है, तत् का मतलब प्रथम पुरुष, वह जैसे प्रथम पुरुष है उसके सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग रखा है, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसक लिंग में अलग। लेकिन जो युष्मद सर्वनाम शब्द है इसको मध्यम पुरुष के नाम से तो जानते हैं, इसके जो सर्वनाम शब्द हैं उनको तीनों लिंगों में एक समान रखा है। इससे सर्वनाम शब्द में वे सर्वनाम शब्द आते हैं जो बात को सुनते हैं, अर्थात सुनने वाला मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष के कर्ता में आता है। प्रिय विद्यार्थी, आप समझो, युष्मद सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष के नाम से भी जाना जाता, भी जानते हैं। इसके सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में एक समान रखा है। इस सर्वनाम शब्द में वे सर्वनाम शब्द आते हैं जो बात को सुनते हैं, अर्थात सुनने वाला मध्यम पुरुष के कर्ता के रूप में आता है। जैसे इसका एक वचन है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एकवचन में आता है तुम, द्विवचन में आता है युवाम और बहुवचन में आता है यूयम। तुम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दो, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ये होता है तीनों वचनों में अलग अलग हो गई, त्वम, युवाम, यूयम। बाकी पुल्लिंग में भी ये रहेगा, स्त्रीलिंग में भी ये रहेगा, और नपुंसक लिंग में भी ये रहेगा। जैसे अपन कोई वाक्य पूरा करते हैं, जैसे ये वाक्य है अपने पास, जैसे बालक है, जैसे ये वाक्य है और इसमें कोष्ट में दे दिया युष्मद, तो आप विद्यार्थी ये समझिए युष्मद का मतलब होता है मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द हैं वो तीनों लिंगों में एक समान। जैसे बालक है तो ये बालक जो शब्द है ये पुल्लिंग का एक वचन है, इसलिए पुल्लिंग का एक वचन है तो एक वचन का सर्वनाम शब्द भरा जाएगा तुम। क्या भरा जाएगा? तुम, ये तुम भर दिया। इसी प्रकार से जैसे दूसरा लेते हैं अपन, जैसे पुस्तके है। अब पुस्तके में मूल शब्द पुस्तक है और ये द्विवचन है, द्विवचन है तो पुस्तक में क्या भरेंगे? पुस्तकम, पुस्तके, द्विवचन है तो युवाम भरेंगे।
यानी संज्ञा शब्द कौन से विभक्ति में है, कौन से वचन में है, तो सर्वनाम शब्द भी उसी विभक्ति और उसी वचन का होगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसलिए जो युष्मत् सर्वनाम शब्द है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ करके इसको ध्यान में दें। धन्यवाद।